नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज दो बड़ी खबरें लखनऊ से सामने आ रही है। पहला ये कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बलिया दौरे पर रहने वाले हैं। दूसरा ये कि सपा नेता अरविंद गिरी की आवाज वो जाएंगे, अरविंद गिरी के पिता के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। वही दूसरी तरफ बीजेपी अवध में बड़ी बैठक करने जा रही है। बीजेपी की कानपुर में भी बड़ी बैठक होगी। पश्चिम ब्रिज क्षेत्र की बीजेपी की बैठक हो चुकी है। बीजेपी की बैठक में क्षेत्र के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत पर बैठकें लगातार जारी हैं। 2024 चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। सांसद बिजभूषण चरण सिंह भी बैठक में पहुंच सकते हैं। तो बड़ी खबरें ये सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव का बलिया दौरा तो दूसरी तरफ बीजेपी 2024 को बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आर ग्रुप कॉलेज में बीजेपी अवध की बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पूरे पश्चिम और ब्रिज क्षेत्र में बीजेपी बैठकें कर चुकी है। जनसंपर्क अभियान के तहत ये बैठकों का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से निकाय चुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया, उसी तरह से 2024 की तैयारी भी बीजेपी कर रही है और एक अंतिम जो रूप है वो दिया जा रहा है, ताकि 2024 में किसी तरह की कोई परेशानी बीजेपी के सामने ना हो। हर वर्ग को, हर क्षेत्र को साधने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की बैठक में क्षेत्र के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से बीजेपी ने कर दी है। दूसरी तरफ विपक्ष को साधने की भी पूरी तैयारी यहां पर बीजेपी द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए 2024 की, तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटें यानी कि बहुत बड़ा राज्य है और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने की दिशा और दशा तय कर देता है। ये राज्य ऐसा है और कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होते हुए जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी पैठ को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारियों में है। पहले 2022 में बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई, उसके बाद अब निकाय चुनाव में परचम लहराया है और बीजेपी नहीं चाहती कि 2024 में किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर कमी रह जाए। इसीलिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की पूरी तैयारी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़े चेहरे, तमाम बड़े चेहरे, जो मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, सूबे के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, हर एक क्षेत्र को छूने की कोशिश हो रही है, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, हर जगह पैठ बनाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि बहुत सारे निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं जिस तरह से परचम तो लहराया गया, लेकिन वोटिंग परसेंट जो है, जो वोट शेयर है, उस पर जानबूझकर फोकस किया जा रहा है कि वो कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होगा, जिसमें सांसद चुने जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सांसद ने कितना काम किया है, कितना नहीं किया अपने क्षेत्र में, जनता तक पहुँचने की कोशिश हो रही है, ताकि जनता बता सके कि वो अपने सांसद को कितना पसंद करते हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी राजकिशोर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राजकिशोर, दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो ये कि बीजेपी का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, दूसरी तरफ आज बलिया आ रहे हैं अखिलेश यादव, क्या कुछ अपडेट है बलिया में, क्या कुछ प्रोग्राम है अखिलेश यादव के, और दूसरी जो बैठक होने जा रही है आज, ये कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए जी, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अखिलेश यादव बीते दिन भी कई जिलों का दौरा कर चुके हैं और ऐसे में आज वो बलिया के दौरे पर हैं, जहां पर अरविंद गिरी जो कि सपा के नेता हैं, उनके पिताजी की श्रद्धांजलि को लेकर उनकी आवास पर पहुंचेंगे। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर बैठक भी कर सकते हैं और कुछ अहम फैसलों को लेकर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव आ रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव इसको पूरी तरीके से साधने की कोशिश करेंगे और लगातार जनता के बीच में जाकर वो अब तक जो बीजेपी के द्वारा किए गए कार्य हैं और जो उनको लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हैं, उसको लेकर लगातार जनता को रूबरू करा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से वो भी तैयारी कर रहे हैं, उसी तरीके से दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो लगातार उनकी बैठकें चालू हैं। जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना परचम लहराया है, उसके बावजूद अभी चंद दिन भी बीते हैं और दूसरी तरफ लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, तैयारियां जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी होती है, वो जमीनी स्तर से लेकर अंतिम रूपरेखा पर तैयार होती है और रोडमैप के जरिए, एक रोडमैप तैयार किया जाता है, उसी के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव को
देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तरीके से आज जो बैठकें हैं जो एसआर ग्रुप के में बैठक होगी, जहां पर सभी संगठन के पदाधिकारी मौजूद होंगे, उसके साथ साथ सभी क्षेत्र के सांसद मौजूद होंगे। कानपुर में भी बैठक हुई, इससे पहले ब्रज क्षेत्र में वाराणसी में भी बैठक हुई। कानपुर का जिक्र किया है आपने, देखिए ब्रज क्षेत्र में तो बैठकें हो चुकी है, पश्चिम में भी हो चुकी है, आज कानपुर में बैठक होगी, उसके बाद पूर्वांचल को साधा जाएगा। कानपुर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, निकाय चुनाव पे भी कानपुर पे सबसे ज्यादा फोकस था। अगर कानपुर की हम बात करें तो यहाँ जो सांसद है उनसे जनता कितनी खुश है, क्योंकि बात लोकसभा चुनाव की हो रही है, सांसद ने कितने बेहतर काम किए हैं कितने नहीं किए हैं इस पर पूरा फोकस होगा। आम जनता अपने सांसद को कितना पसंद करती है, सांसद को कितनी बार देखती है अपने क्षेत्र में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए बिल्कुल जी बिल्कुल जी, बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब आज जो बैठकें कर रही, जिसमें सभी जो सांसद हैं क्षेत्र के वो मौजूद होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि अब तक जो किए गए कार्य हैं उनकी क्या अवलोकन किया गया और यहां तक की समीक्षा भी की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो भी मौजूद होंगे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी मौजूद होंगे। उसके साथ साथ जो बड़े सांसद हैं, जो क्षेत्र के सांसद हैं बिजभूषण शरण सिंह और लखनऊ के सांसद हैं, सभी लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे और उनसे पूछा जाएगा। वहीं अगर हम कानपुर की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूर्ण दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया था और पूरी तरीके से वहां पर बहुमत भी मिली उन्हें। अब ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें हैं, जो कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, तो कहीं ना कहीं 80 लोकसभा सीटें पर अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलती तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक केंद्र में सरकार बनाना और आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए उन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आज बैठक कर रही है और लगातार उसको लेकर प्रचार प्रसार भी कर रही है और जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर सीधे संवाद कर रही है, उसका कहीं ना कहीं सीधे प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। बिल्कुल राजकिशोर, इसके अलावा देखिए संगठन जो महामंत्री है धर्मपाल सिंह वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे, सांसद बिजभूषण शरण सिंह भी बैठक में पहुंचेंगे। सांसद बिजभूषण शरण सिंह पर सबकी नजर बनी हुई है, ये क्या बीजेपी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, जिस तरह से बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं कि कई दिनों से पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल बता दें कि जो बीते दिन जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो पहलवानों की तरफ से जो गोंडा कैसरगंज से सांसद है बिजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप है, यौन उत्पीड़न का आरोप है उनके ऊपर, हालांकि FIR भी दर्ज हो गई और आगे की कार्रवाई भी हो रही है, अभी तक उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और उस पर आगे की क्या रणनीति होगी इसको लेकर भी हो सकता है चर्चा किया जा सकता है। क्योंकि आज जिस तरीके से ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो संगठन की टीमें हैं वो भी फीडबैक देंगी कि उनके क्षेत्र के जो सांसद हैं उन पर उनका क्या प्रभाव है क्षेत्र में और किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए बिजभूषण शरण सिंह अगर इस बैठक में पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए जो प्रदेश के महामंत्री हैं संगठन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह और प्रदेश महामंत्री सभी मौजूद रहेंगे, तो इस पर लेकर भी चर्चा हो सकती है और कुछ नए निर्णायक चर्चाएं हो सकती हैं और इस पर कुछ अहम फैसला भी, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिजभूषण शरण सिंह पर नहीं दी गई। बिल्कुल राजकिशोर, इसके अलावा देखिए ये जो बैठकें हैं, ये जो अलग अलग सेक्टर में बांट कर पूरे प्रदेश को और बैठकों का दौर जो शुरू किया है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्या बीजेपी को अपने जो कार्यकाल है उस पर भरोसा नहीं है या कहीं कमी रह गई है उसको पूरा करने की कोशिश हो रही है? देखिए बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी जमीनी स्तर पर शुरुआत की है और जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव खत्म होते ही अपना वो परचम फिर से दोबारा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करने में लग गया, तो कहीं ना कहीं देखिए ये महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा सकता है कि उनकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें दिलाती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राजकिशोर, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो ये बड़ा मौका है और बड़ी तैयारी है और कोई भी कमी छोड़ी नहीं जा सकती, बीजेपी ने ये ठान लिया है, बूथ स्तर से लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो भी थोड़ी बहुत कमी बची है उसे अभी पूरा कर लिया जाए। 2024 बेहद नजदीक है, समय कम है और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि लगातार बड़ी बैठकों का दौर जारी है। संगठन महामंत्री हो, पदाधिकारी हो, डिप्टी सीएम हो, सूबे के मुखिया हो, सब बैठक में शामिल है और साथ ही साथ बैठक में मंथन किया जा रहा है कि कहां कमी है, कहां सांसद नहीं पहुंचे हैं, कहां के सांसदों ने काम किया है, ये सभी चीजें देखी जा रही हैं।
वहीं उत्तराखंड में सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्य को हासिल करने और विभागों द्वारा तैयार अल्प मध्य एवं दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा के संबंध में बैठक होगी। सचिवालय देहरादून में करीब 5 बजे भाजपा प्रदेश पदाधिकारी बैठक में प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें कि देहरादून भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक है। आज शाम 5 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी सहित प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। महासंपर्क अभियान को लेकर भी चर्चा होगी। तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तराखंड में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड में भी कोई कोर कसर छोड़ने की तैयारी नहीं है। आपको बता दें कि यहां पर जो पुष्कर सिंह धामी की टैगलाइन थी कि सशक्त उत्तराखंड @25 हम बनाएंगे, उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, और बीच में फिर 2024 भी है, तो इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तमाम विभागों द्वारा अलग अलग जो रोड मैप तैयार किया गया है, जो लंबे समय के रोड मैप है, उसके संबंध में एक समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद बैठक होगी, सचिवालय देहरादून में बैठक होगी शाम 5 बजे। आपको बता दें कि प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, इनमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, तमाम यहाँ पर बातें रखी जाएंगी। आपको बता दें कल कैबिनेट की बैठक हुई है, तमाम बिंदुओं पर, तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता का फायदा है, सीधे आम जनता का सरोकार है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी सहित पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। महासंपर्क अभियान को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि उत्तराखंड में तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता आया, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे वो बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करना हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो ऑल वेदर रोड का मुद्दा हो, चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो, जाम की स्थिति हो, चारधाम यात्रा की स्थिति हो, यहाँ पर ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता है, और सरकार नहीं चाहती कि किसी तरह की कोई भी कोर कसर छूटे जिसका असर 2024 में दिखाई दे। इसीलिए महासंपर्क अभियान को लेकर आज चर्चा होने जा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है, बैठकें हो रही हैं, वैसे ही उत्तराखंड में भी अब तस्वीर नजर आने वाली है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी बीजेपी ने कर ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शाम 5 बजे महत्वपूर्ण बैठक है, तमाम तैयारियां की जा रही है, रोड मैप जो है वो तैयार कर लिया गया है अलग अलग विभागों द्वारा। आपको बता दें कि उत्तराखंड @25 को लेकर पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से गंभीर है, किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुभाष कौर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, आज महत्वपूर्ण बैठक है, महासंपर्क अभियान को लेकर आज चर्चा होगी। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी जन जन तक पहुंचकर अभियान चलाया जाएगा, ताकि 2024 में बीजेपी को कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल काजोल, महत्वपूर्ण बैठक इस महासंपर्क अभियान को लेकर आज शाम 5 बजे बीजेपी कार्यालय देहरादून में आयोजित की जाएगी, जिसमें की प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी सहित प्रदेश के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी महत्वपूर्ण बैठक है। और क्योंकि महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलना है, तो उसमें किस तरीके की रणनीति बनानी है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक आज की जा रही है। हालांकि ये बैठक के जरिए 2024 को साधने की तैयारी भी बीजेपी करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अभी से ही चुनावी मोड में बीजेपी उतर गई है। आगामी समय में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर पूरी तरीके से बीजेपी मुस्तैद नजर आ रही है, और बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी एक सीट हो इस बार फिर से गवाए। यानी कि अभी तक जिस तरीके से लगातार दो बार जिस तरीके से प्रथम बहुमत के साथ पांचों लोकसभा सीट बीजेपी उत्तराखंड में जीती है, इस बार भी बीजेपी यही चाहती है पांचों की पांचों लोकसभा सीटें बीजेपी को मिले, और उसके लिए तैयारी अभी से करना चाहिए। बिल्कुल सुभाष, लेकिन अगर इस बार हम बात करें तो विपक्ष बहुत सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो, परियोजनाएं हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजना परियोजना हो। अभी हम देखें तो उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जिसको लेकर बहुत बहस भी हुई है, लेकिन उसका कोई साफ विकल्प नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो जोशीमठ आपदा हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया हो, घोटाले का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हो, चाहे वो चारधाम यात्रा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 2024 के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्ष के पास कोई विकल्प है 2024 में? बिल्कुल काजोल, विपक्ष भी कहीं ना कहीं एकजुट होने की कोशिश अब करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में इस बार
बड़ा फेरबदल देखने को मिला। उसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी ऊर्जा देखने को मिली और यही वजह है कि जैसे ही कर्नाटक के रिजल्ट आए उसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस भी काफी मुस्तैदी के साथ 2024 की तैयारियों में जुट गई। हालांकि अभी 2024 को लेकर कांग्रेस की कोई बड़ी रणनीति नहीं है, हालांकि एक बड़ी सीट हरिद्वार लोकसभा सीट के लेकर जरूर ये समझ में आ रहा है कि दो बड़े नेता कांग्रेस के तय हरीश रावत हूँ ऐसे हरक सिंह रावत हूँ हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपने ताल जरूर रूपते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अन्य चार सीटों की बात करें, चाहे वो टीहरी की सीट की बात करें, पौड़ी की सीट की बात करें, अल्मोड़ा नैनीताल सीट की बात करें, तो इन सीटों के लिए अभी भी पक्के पूरी तरीके से विपक्षी दल कांग्रेस ने नहीं खोले हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि कहीं ना कहीं अब विपक्षी दल भी इस चुनाव को बड़े मुस्तैदी के साथ लड़ना चाहता है, मुस्तैदी के साथ जीतना चाहता है, कोई भी कोर करता कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती इस लोकसभा चुनाव में। क्योंकि बड़ी चीज ये है कि अब क्योंकि लगातार दो बार से बीजेपी इन पांचों सीटों पर अपना कब्जा जमाए हुए है, तो कांग्रेस चाहती है कि इस बार यानी कि जो आज की बैठक है सुभाष वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। बिल्कुल ताजा जो आज की बीजेपी की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी सीट उनकी कमजोर रहे जिसको वो हार जाए। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि पांचों लोकसभा सीटों का वो बड़े बहुमत के साथ जीते, जिस तरीके से 2019 में 2014 में बड़े बहुमत के साथ उन्होंने तमाम पांचों लोकसभा सीटें जीती थी उसी प्रकार 2024 में। ठीक है सुभाष, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज उत्तराखंड में भी बड़ी बैठक होने जा रही है, उत्तराखंड @25 को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद अलर्ट हैं और इस अलर्टनेस के साथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक है 5:00 सचिवालय में। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर तमाम पदाधिकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे और जनसंपर्क महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके तहत अब आगे 2024 को फतह करने की कोशिश होगी। बीजेपी नहीं चाहती कि पाँचों लोकसभा सीटों में से एक भी उसके हाथ से निकले। सिद्धरमैया 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की है। 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस जीत को कांग्रेस के लिए संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां भी शुरू कर दी है। देश भर की तमाम पार्टियों के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस केंद्र में रहकर इस समारोह का विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर प्रदर्शन करना चाहती है। कांग्रेस की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम केसीआर को इसका न्योता नहीं भेजा गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने सियासी समीकरणों को देखते हुए इन दलों से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की इस जीत से न सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया बल्कि देश भर में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरने का काम भी किया है। माना जा रहा है कि ये जीत 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं में ऊर्जा भरने का भी काम करेगी। कांग्रेस सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण को भव्य बनाकर विपक्षी एकता का भी संकेत देना चाहती है। कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता नहीं दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर देश भर में जब सभी विपक्षी दल 2024 चुनाव से पहले एकजुट होने की कवायद में जुटे हैं तो फिर कांग्रेस आपसे दूरी क्यों बना रही है, जबकि आपके दो अहम राज्यों दिल्ली और पंजाब में सरकार है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ राजनीतिक घटनाओं पर ध्यान देना होगा। 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, इससे पहले वहां लगातार 15 साल से कांग्रेस के शीला दीक्षित सत्ता पर काबिज थी। 2013 में आम आदमी पार्टी ने राजधानी की चुनावी राजनीति में एंट्री की, 28 सीटों पर जीत हासिल की। 2008 में 43 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई। 2015 में जब दोबारा चुनाव हुए तो आपका ग्राफ 67 सीटों पर पहुंच गया। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस शून्य पर आ गई। 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। पंजाब में सत्ता से बेदखल किया। अब दिल्ली से पंजाब का रुख भी करें तो पंजाब में 2017 में हुए चुनाव में 77 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, तब आप वहां पैर पसार ही रही थी। पार्टी ने उस चुनाव में 20 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 2022 आते आते स्थिति पूरी तरह से बदल गई। आप 92 सीटों पर पहुंच गई तो कांग्रेस सिर्फ 18 पर सिमट गई। कुछ इसी तरह के हालात गुजरात में भी नजर आते हैं।
पूर्वांचल के माफिया डॉन और बाहुबली राजनेता मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हेट स्पीच मामले में आज यानी कि शुक्रवार को उन्हें एमपीएमएलए कोर्ट में आरोप तय होंगे। मऊ सदर से सुभाषपा के विधायक अब्बास ने विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों को हिसाब करने की धमकी दी थी। बता दें कि अब्बास अंसारी फिलहाल कासगंज जेल में बंद है। उसे प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते साल पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। यानी कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी पर आज आरोप तय होंगे। पूर्वांचल के माफिया डॉन और बाहुबली राजनेता मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हेट स्पीच मामले में आज यानी कि शुक्रवार को उनके खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट में आरोप तय होना है। मऊ सदर से सुभाषपा के विधायक अब्बास ने विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों को हिसाब करने की धमकी दी थी। बता दें कि अब्बास अंसारी फिलहाल कासगंज जेल में बंद है। उसे प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते साल पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। आज फैसला होना बाकी है। इस पूरे फैसले में क्या कुछ सजा मिलती है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को, ये देखना होगा। तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार यानी कि आज एमपीएमएलए कोर्ट में उस पर आरोप तय होने हैं। मऊ सदर से सुभाषपा के विधायक हैं अब्बास ने विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों को हिसाब करने की धमकी दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसी मुकदमे पर आज सुनवाई होनी है, जिसका इंतजार हो रहा है। क्या मुख्तार अंसारी के बेटे बरी कर दिए जाएंगे या फिर उन्हें सजा मिलेगी, ये देखना होगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।